के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, धर्म भारत का है प्राण और संस्कृति भारत की है आत्मा। प्रधानमंत्री के आह्वान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला प्रशासन और NDRF व अन्य संगठनों ने प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान कार्यक्रम का किया आयोजन। रामगढ़ताल स्थित JT के पास सिंगल यूज प्लास्टिक का लगभग 1 टन निकाला कचरा, लिया शपथ। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में की जा रही कथित धन उगाही की जांच करने पहुंचे SP ट्रैफिक, लोगों से अवैध पैसा न देने की अपील। पुलिस बूथ के सौंदर्यीकरण का नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन, जताया सामाजिक संस्था के प्रति आभार। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार। पूर्वोत्तर रेलवे के राजभाषा पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्चा एवं कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती का किया गया आयोजन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रव्यापी धरना के संयुक्त तत्वावधान में किया गया धरना प्रदर्शन, बिजली दरों में वृद्धि को वापस लेने की मांग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी डिपार्टमेंट की ओर से फ्रेशर डे का किया गया आयोजन, छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की गई मनमोहक प्रस्तुति। राधा दरबार के तत्वावधान में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया राधा जन्माष्टमी, राधे राधे के भक्ति गीतों से गूंज उठा पूरा दरबार। और महानगर में एक और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का होगा शुभारंभ, डिजिटल वाइन प्रोडक्शन के संस्थापक दुर्गेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।